कोरोना का डर दिखाकर बेवजह त्योहारों पर बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा किए लॉकडाउन लगाना उचित नहीं है। गरीबों की परेशानियों को देखते हुए लॉकडाउन लगाने का विरोध किया जाएगा, यह बात भोपाल के विधायक आरिफ मसूद ने कही है। विधायक आरिफ मसूद ने कहा है कि मध्य प्रदेश की शिवराज सरकार त्योहारों पर लॉकडाउन लगाने की घोषणा सरकार की मंशा उजागर करती है। बिना जनप्रतिनिधियों के चर्चा कर सरकार त्योहारों पर लॉकडाउन लगा रही है, इससे छोटे व्यापारियों को भी काफ़ी नुकसान होगा, जिसमें रमजान पूर्व और ईद तक लॉकडाउन लगा रहा, इस कारण व्यापारियों को भारी नुकसान हुआ था और अब फिर ईद उल अजहा और रक्षाबंधन के मौके पर लॉकडाउन लगाया जा रहा है, फिर आम जनता को, व्यापारी भाइयों को इसकी वजह से नुकसान होगा। भोपाल से ताहिर खान की रिपोर्ट। आज जो खबर मैंने देखी नरोत्तम मिश्रा जी का बयान, इसकी मैं कड़ी निंदा करता हूँ। और ये एक तरफा लिया गया निर्णय है बिना जनप्रतिनिधियों से चर्चा करे लॉकडाउन करना, त्योहारों के समय लॉकडाउन करना, इसकी मैं बहुत निंदा करता हूँ और इसके ऊपर मैं आंदोलन करूँगा। और मैं ये बताना चाहता हूँ कि माननीय गृह मंत्री जी, मैंने आपसे मुलाकात करी थी आज से हफ्ता भर पहले, बार बार अवगत कराया, दूरभाष पर भी आपसे चर्चा करी, मैंने पत्र भी लिखा, उसके बावजूद एक तरफा निर्णय हुआ, किसी से बुलाकर कोई चर्चा नहीं की गई, किसी जनप्रतिनिधि से चर्चा नहीं की गई। और त्योहारों के समय पर इस तरह करना ये बहुत गलत है। राखी और कुर्बानी, और कुर्बानी हर हाल में मध्य प्रदेश में होगी, और इस कुर्बानी को रोकने का आपने जो प्रयास किया है, मैं उसकी निंदा करता हूँ। और मैं सबसे ये कहता हूँ, अपील करता हूँ कि सोशल मीडिया पे खुल के इसकी मुखालफत करिए और इस गैरतांत्रिक गैर लोकतांत्रिक निर्णय का विरोध करिए। ये हिटलर शाही है, इसका हमको सबको विरोध करना चाहिए। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।